हेलो जी, राम राम सायरन है भाई। आप सभी के बार बार यूट्यूब पर कमेंट आ रहे थे कि सर, हरियाणा पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है सर, उसमें किस किस सामान की रिक्वायरमेंट रहती है सर। एक बार मतलब ट्रेनिंग के जो किट होती है उसके बारे में वीडियो बनाओ। तो भाई, आज इस वीडियो का यही मकसद है, मैं आपको वो हर जानकारी दे सकूँ कि ट्रेनिंग पर क्या क्या सामान की रिक्वायरमेंट होती है। तो भाई, मतलब ज्वाइनिंग के बाद मैं सबसे पहले जो भी आपको बटालियन अलॉट होती है, तो उस बटालियन से आपको एक ट्रेनिंग बॉक्स दिया जाता है। उसमें ट्रेनिंग से रिलेटेड कुछ सामान होता है, जैसे वर्दी का कपड़ा हो गया, बेल्ट होगी, कैप होगी, और पीटी ड्रेस, परेड ड्रेस, पीटी शूज़ और परेड शूज़। मतलब कुछ ट्रेनिंग से रिलेटेड सामान होता है उस बॉक्स में। एक तो ये आपको बॉक्स मिलता है ट्रेनिंग के लिए। फिर उसके बाद में सबसे ज़रूरी होता है, अगर जब आप ट्रेनिंग पर जाते हैं तो आपके पास एक मेडिकल फर्स्ट एड किट होनी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रेनिंग पर क्या पता मतलब कब तबीयत डाउन हो जाए या मतलब चोट फेट लग जाए, तो मतलब उसका पता नहीं लगता। तो आपके पास मेडिकल फर्स्ट एड किट होनी ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करते हैं जो भी नेसेसरी मतलब डेली रूटीन में हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत होती है, वही हमें ट्रेनिंग पर भी ज़रूरत होती है। जैसे चप्पल होगी, जो भी आप चप्पल बाथरूम चप्पल यूज करते हो, जो शीवल शूज़ हो गए जो यूज करते हो, और फिर जैसे टूथपेस्ट वगैरह, ब्रूस वगैरह, ये सामान आपको लेके जाना है। फिर जैसे नहाने के लिए जैसे टावल हो गया, सोप हो गया, ऑयल हो गया, ये ज़रूरत की चीज़ें होती है जो हमें साथ में लेके जानी पड़ती है। फिर उसके बाद में हमारे पास कम से कम ट्रेनिंग पर 2 या 3 सिविल ड्रेस होनी चाहिए, जैसे पैंट और शर्ट, जो सिविल जो हम जैसे कहीं इंटरव्यू में जाते हैं ना, उस टाइप की मतलब सिविल ड्रेस होनी चाहिए 2 या 3। और प्लस में एक स्काई ब्लू कलर की एक कैप आती है, जो मतलब जब भी 8 बजे रोल कॉल होती है, GRC होती है ट्रेनिंग टाइम में, मतलब हाजिरी वगैरह होती है, तो तब वो डाल के जानी पड़ती है हमें। और उसके बाद जैसे हमें बेड शीट वगैरह और कंबल वगैरह, जो भी अभी तो गर्मी है लेकिन आगे जैसे सर्दियों में कंबल वगैरह की भी ज़रूरत होती है। फिर एक जो आपको जो ट्रेनिंग पर जो बॉक्स मिलता है उसको ढकने के लिए ग्रीन कलर का कपड़ा आता है, तो उसकी भी ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्रेनिंग पर वो अलाउड होता है। और आप ट्रेनिंग पर जा रहे हो तो सिंपल सी बात है, मतलब आपको रोज़ डेली शेविंग करके जानी पड़ेगी, तो उसके लिए आपको जैसे शेविंग मशीन या इरेजर वगैरह जो भी आप यूज करते हो वो लेके जाना है, और प्लस में आप मिरर यानी शीशा लेके जा सकते हो। फिर एक जैसे हम घर में मुल्तानी मिट्टी यूज करते हैं, तो वहाँ पे मुल्तानी मिट्टी का भी यूज होता है। जैसे हमारी जो भी परेड ड्रेस होती है, जो उसकी बेल्ट होती है, तो मतलब उसको उसके ऊपर लगानी पड़ती है, तो आपको बाद में पता चलेगा उस मुल्तानी मिट्टी का क्या यूज़ होता है, तो आप लेके चले जाना मुल्तानी मिट्टी भी। जैसे अब गर्मी का टाइम है तो ट्रेनिंग पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तो उसके लिए जैसे आप एनर्जी के लिए आप जैसे ट्रेनिंग पीरियड से आने के बाद आप ग्लूकोन डी वगैरह यूज कर सकते हो, तो आप ग्लूकोन डी का जाएगा मतलब जो पैकेट होता है वो रख सकते हो। उसके बाद जैसे खाने के लिए हमें प्लेट, कप, गिलास, चम्मच, ये सब चीज़ें लेके जानी है। और सबसे अहम बात, जैसे आप जब भी ट्रेनिंग के जो मतलब पीटी या परेड करने के बाद आते हो, तो आप मतलब जूस वगैरह के लिए एक आपके पास या तो जूसर या ग्राइंडर होना ज़रूरी है, ताकि आप मतलब बनाना शेक ट्रेनिंग के पीरियड जो होता है पीटी पीरियड के बाद आप बनाना शेक बना के पी सको। और उसके लिए आप जैसे चीनी वगैरह ये होनी ज़रूरी है आपके पास, एक तो जूसर या ग्राइंडर लगा सकते हो, या फिर चीनी जो आप यूज कर सकते हो। फिर कपड़े वगैरह धोने के लिए जैसे आपके पास बाल्टी वगैरह होनी चाहिए, मग होना चाहिए, सर्फ या साबुन जो भी आप यूज करते हो, ब्रूश वगैरह, तो ये चीज़ आपको लेके जानी है, क्योंकि आप डेली जो भी ट्रेनिंग पे आपको कपड़े वॉश करने पड़ेंगे खुद से ही। आप ट्रेनिंग पर है तो आपको अपने खाने पीने का भी अच्छा अच्छी तरह ध्यान रखना है, तो उसके लिए आप मतलब घर से कुछ ऐसी चीज़ें बनवा के लेके जाना जो मतलब आप ट्रेनिंग पर किसी भी टाइम जब आपको भूख लगे तो खा सकें। और एक सबसे अहम चीज़ आपको गुड़ ज़रूर लेके जाना है।
ठीक है, गुड, क्योंकि जैसे आप ट्रेनिंग जो नाइट जो रात को मतलब खाना खाने के बाद आप गुड़ जरूर ले, गुड़ प्लस में दूध, तो जैसे ट्रेनिंग टाइम में कॉलेज क्लास भी होती तो उसके लिए आप पेन और जो खाली नोटबुक है वो ज़रूर साथ में लेके जाएं। और एक चीज़ और, जैसे गर्मियों का टाइम है सुबह या शाम जब भी मतलब पीटी ड्रेस या परेड ड्रेस में रहना पड़ेगा, तो उसके लिए जैसे मच्छर वगैरह भी होंगे वहाँ पे, तो उसके लिए आप कोशिश करना कि ओडोमास की ट्यूब लेके जाओ ताकि आपको आगे परेशानी नहीं आए। तो ये जो कुछ जानकारी थी जो मैंने अपने जो ट्रेनिंग के दौरान मैंने कुछ खुद एक्सपीरियंस की थी कि हमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो मैंने कोशिश की कि मैं आपके साथ हर वो बात शेयर करूं ताकि आपको ट्रेनिंग के दौरान कोई दिक्कत नहीं आए। और बेस्ट ऑफ लक आप सभी को ट्रेनिंग के लिए। धन्यवाद। जय हिंद।